नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नई नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा ये किस टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों, आज जो मैं सीरीज लाइट बनाऊंगा तो उसके बारे में और भी ज़्यादा मतलब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ होता है, क्यों यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में सारा डिटेल में मैं बताऊंगा और काफ़ी सिंपल तरीका से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको डायग्राम भी बताता हूँ ताकि आपको अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और डायग्राम ये मैंने यहाँ है दोस्तों, डायग्राम। तो दोस्तों, ये डायग्राम को दोस्तों हम मैंने ड्रॉ करके रखा है, इसका सिर्फ कनेक्शन वगैरह नहीं किया हूँ मैं। तो दोस्तों, सिर्फ इसको समझा देते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, सीरीज लाइट बनाने से पहले किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों? तो आपको जो है दोस्तों, एक के होल्डर का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, एक के प्लग का ज़रूरत पड़ता है, एक के दोस्तों जो है बॉल का जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप जब भी बॉल का यूज़ करें दोस्तों, तो 200 वाट का बॉल का यूज़ करें दोस्तों, उससे आपको एग्जैक्ट पता चलता है दोस्तों। तो आप आगे जानेंगे तो दोस्तों, क्योंकि मेरे पास 200 वाट का बॉल दोस्तों किसी कारणवश फूट गया, तो दोस्तों इसीलिए जो 100 वाट का बॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, काम तो इससे भी चलेगा, बट दोस्तों उससे एकदम एग्जैक्ट सब तरह से अच्छा पता चलता है दोस्तों, क्योंकि मेरा अभी तक में जो प्रैक्टिकल मैंने किया है उसके अनुसार से। तो दोस्तों, पहले आप डायग्राम को समझ लो दोस्तों, ताकि आपको समझना जो है और भी बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप कोई भी सामान हो दोस्तों, एक हम मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोई भी सामान हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कुछ भी हो दोस्तों, तो उसको दोस्तों जब वीडियो आप देख रहे हो, किसी का भी हो या मेरा हो या किसी का भी दोस्तों, तो सबसे एट फर्स्ट आप जब देखते हो दोस्तों, तो सही तरीका से देखा करो, अच्छा देखो और फिर समझो। दोस्तों देखिए, इस समय होता कुछ नहीं है, बस समझने का होता है कि किस तरह से समझे हम, और एक बार समझ लोगे दोस्तों तो फिर आपको कोई तरह का कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, एट फर्स्ट आप ये देख लो, ये क्या दोस्तों, ये होल्डर है दोस्तों। थोड़ा दोस्तों, ये जो चित्र बनाया दोस्तों, उसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो तो सॉरी, माफ करेंगे, क्योंकि अच्छा जानते नहीं हैं, फिर भी कोशिश जहाँ तक हुआ किया। तो दोस्तों, ये होल्डर है, ये 5-pin सॉकेट है, ये स्विच है दोस्तों, और ये भी एक दूसरा ये भी है दोस्तों। तो पहले इसके बारे में बताते हैं दोस्तों कि मतलब आप कैसे समझेंगे। अगर आप ऐसा बना रहे हैं दोस्तों, एक बोर्ड है, प्लाई वगैरह है, उसमें एक 5-pin सॉकेट है, एक स्विच है, एक होल्डर है दोस्तों, तो करना क्या है ये आप देख लो। तो दोस्तों, आप जो दोस्तों, दो तार तो दोस्तों मतलब बोर्ड में जाएगा, तो दो तार बोर्ड में जाएगा दोस्तों, तो क्या करना है ये देख लो दोस्तों। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से एक तार डायरेक्ट दोस्तों इसका होल्डर पे आ जाएगा, एक ये दोस्तों होल्डर पे आ जाएगा, समझ गए दोस्तों। और दूसरा तार दोस्तों ये देख लो आप, ये आपका स्विच भी आ जाएगा दोस्तों, हो गया दोस्तों। और तीसरा दोस्तों, ये स्विचिंग लगेगा होल्डर से, ये देख लो दोस्तों, ये होल्डर का स्विचिंग होगा दोस्तों, और ये इसका सर दोस्तों, ये जो तार है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका इस होल्डर का पॉइंट में, देख लो दोस्तों। अब आप क्या करोगे दोस्तों, आप इस, ये तो हो गया दोस्तों, होल्डर हो गया दोस्तों, आप इसमें जो दोस्तों जो दो प्लग देखे और कोई भी चीज़ को चेक करोगे, तो आपका जो है दोस्तों ये बॉल जलेगा, तो वो सीरीज में, ये सीरीज लाइट बन गया दोस्तों, ये जो दोस्तों ये सीरीज लाइट बन गया। तो इसके बारे में आगे हम दोस्तों बताएंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, एक तार डायरेक्ट गया दोस्तों ये होल्डर में, होल्डर से दूसरा का तार दोस्तों ये 5-pin सॉकेट में आ गया दोस्तों, और यहाँ से दूसरा ये जो तार है दोस्तों ये स्विच में आया, स्विच का ये कनेक्शन आपका यहाँ आ गया। तो दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ और है भी नहीं। तो दोस्तों, और ये तो समझ गया दोस्तों, अब सेकेंड क्या है दोस्तों ये भी समझ लो आप। अब क्या है दोस्तों, ये आपका हो गया, ये हो गया 220 वोल्ट एसी, 20 वोल्ट एसी इनपुट। तो दोस्तों देखिए, सीरीज लाइट एकदम सिंपल वे में देखो, देखिए दोस्तों, यही सीरीज लाइट को यहाँ जो है बोर्ड में फिट किया हुआ है, ये देख लो आप, यही सीरीज लाइट को बोर्ड में फिट किया हुआ है, और इसमें कुछ होता नहीं है। देखिए देखो, होता क्या है दोस्तों, इसमें जो है ये दोस्तों, ये आपका बॉल हो गया दोस्तों, 200 वाट का बॉल आपको मैंने बताया है, 200 वाट बॉल, इसमें होल्डर में भी दोस्तों 200 वाट का बॉल लगेगा इस होल्डर में। तो दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, देखिए आपका जो है दोस्तों, ये जो प्लग है दोस्तों, तार का प्लग, प्लग जो दोस्तों क्या है मतलब बोर्ड में घुसा, डायरेक्ट बोर्ड में गया। अब क्या करना दोस्तों, दो तार रहता है दोस्तों, एक तार को बीच से कटिंग करना है, यहाँ होल्डर लगा देना है, होल्डर में बॉल फिट कर दिया दोस्तों, बस ये दो तार निकल गया दोस्तों, बस उसी से चेक करना है। देखिए दोस्तों, एलईडी सिंपल, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल आपको हम कैसे बताते हैं, देखिए
प्रैक्टिकल क्या करना है दोस्तों, तो आपका जो दोस्तों क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा तो आप देख लो। देखिए दोस्तों ये तार जो दोस्तों, तार कोई भी ले सकते हैं दोस्तों, तार जो भी अच्छा हो, तो ये तो आप उसे बताने के लिए मैं लिया हूँ दोस्तों, आप अच्छा ही तार यूज करें। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले दोस्तों इसमें प्लग लगेगा दोस्तों, दोस्तों ये तो प्लग फिट हो गया दोस्तों। आप जो दोस्तों आपको क्या मैंने बोला था दोस्तों कि 20 से दोस्तों ये कटिंग कर देना है, तो दोस्तों ये 20 से जो है कटिंग करना है। देखिए दोस्तों ये जो दोस्तों ये मेन प्लग हो गया दोस्तों, ये मेन प्लग हो गया दोस्तों, और कोई भी एक तार को दोस्तों ये 20 से कटिंग करना है, यहाँ पर होल्डर लगाना है, इसमें बताया गया है। तो इसको पहले छील देते हैं, तो दोस्तों ये जो है ऑलरेडी फिट कर दिया मैंने, और दोस्तों ये बॉल लगा दिया मैंने। अब देखो दोस्तों इसमें कुछ है दोस्तों, सेम देखो दोस्तों ये जो है इसमें पहले लगा दिया मैंने 20 से कोई भी एक तार को, आप इसको भी काट सकते हैं दोस्तों, या इसको भी काट सकते हैं, एक तार को मैंने काटा, इसे मैंने होल्डर फिट कर दिया दोस्तों, बस इसका दो तार यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब इससे दोस्तों आप कोई भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं वो भी इजी वे में। तो दोस्तों अब मैंने आपको चेक करके बताता हूँ, देखो तो दोस्तों अब इसको हम चेक करके बताते हैं आपको। दोस्तों ये सीरीज लाइट बहुत सारा काम में उपयोग होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो मिस्त्री हैं दोस्तों वो तो यूज़ करते ही हैं, हर कोई मिस्त्री जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा स्पेयर पार्ट जो दोस्तों चेक करना पड़ता है, कौन शॉर्ट है क्या है नहीं है, सारा चीज़ चेक करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जब लाइन में लगाते हैं दोस्तों इसको टच की मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि करंट फेज रहता है इसमें दोस्तों, ये करंट लग जाएगा आपको। तो देखिए दोस्तों मैं इसको शॉर्ट करते हैं दोस्तों तो बल्ब जलता है, देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको चेक कैसे करते हैं बल्ब सही है कि नहीं, देखिए दोस्तों ये जल रहा है। अपने घर में दोस्तों बहुत सारा तार रहता है दोस्तों कि पता नहीं चलता कि दोस्तों तार खराब है क्या नहीं है, तो देखिए दोस्तों तार को भी चेक करके देखते हैं तार सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों तो दोस्तों यही था दोस्तों, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें दोस्तों, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए जरूर कमेंट करें दोस्तों, और ये मेरा जो बनाया बनाया दोस्तों ये कैसा लगा तो जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।